हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी, ऑल ऑफ यू कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज होम साइंस की क्लास है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास है। इसमें आपको क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, पूरी फिजियोलॉजी से क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चन को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो कई लोग कमेंट कर चुके हैं, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। दरअसल बात यह है कि आज क्लास हम लेकर के आए हैं, मैम को थोड़ा सा काम था, मैम की क्लास होती थी, उनको थोड़ा काम है एक दो दिन के लिए, वो थोड़ा सा शेड्यूल उनका बिजी है, वो छुट्टी पे थोड़ा सा गई हैं। उनकी क्लास कंटिन्यू होगी, इसी टाइम पे कंटिन्यू हो गई होगी, आपकी क्लास लास्ट ना हो पाए इसलिए आज हम क्लास लेकर के आए हैं। तो आज सीखिए क्वेश्चन को, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, संपूर्ण ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन होंगे आपके, मानव क्रिया विज्ञान से आपके क्वेश्चन होंगे, कोई भी चैप्टर हो हर एक चैप्टर से होंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और सभी लोग कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने है। कह रहा है हमारे शरीर की सबसे सरलतम इकाई क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये है हमारे शरीर की सबसे सरलतम इकाई क्या है। हाँ जी, ये क्लास रोज होती है यूट्यूब पे, मैम लेकर के क्लास आती हैं जी। आपका क्वेश्चन था कि ये क्लास रोज होती है यूट्यूब पे, वर्मा वर्मा जी, हाँ जी ये क्लास रोज होती है यूट्यूब पे और मैम लेकर के क्लास आती है। आज हम क्लास लेकर के आए हैं चूंकि हम मतलब आपका लॉस ना हो, इसलिए पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं और आपके पूरे होम साइंस से जो भी है वो मैम क्लास करवाती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यह हमारे शरीर की सरलतम इकाई है, इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की सिंपलेस्ट यूनिट क्या होती है, पहले ये ट्रेजरी लिखा है, यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा सेल, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सेल। तो शरीर की सबसे सरलतम इकाई क्या होती है, कई लोगों के आंसर भी आ चुके हैं जी, इसी टाइम क्लास होती है, ए है आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। और क्या होती है, कोशिका होती है, सबसे छोटी इकाई जो सरलतम इकाई होती है वो कोशिका होती है शरीर की, ये आप जानते हैं। एक चीज और आप जान लीजिए, क्वेश्चन अलग से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, अलग अलग ऑर्गन की पूछी जाती है, जैसे पूछा जाए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होगी, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होगी, किसकी, किडनी की, ठीक है। अगर किडनी की पूछी जाए कि किडनी की सरलतम इकाई या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होगी, तो वहां पे आपका आंसर जाएगा नेफ्रॉन, वहां पे क्या जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने मिलते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये बताइए कि सिंपलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी की क्या है, तो सिंपलेस्ट यूनिट जो है हमारी बॉडी की, सरलतम यूनिट जो है वो कोशिका होती है। इसी तरह अगर शरीर के अंदर पूछा जाए, सेल के अंदर या पूरी शरीर के अंदर पूछा जाए कि ये बताइए किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, हाँ जी बिल्कुल नेफ्रॉन होती है। बहुत बढ़िया आंसर भी आए हैं, जैसे यहाँ पे आंसर देखने को मिला है, वर्मा वर्मा जी ने आंसर दिया है नेफ्रॉन होती है, ठीक है, हाँ जी नेफ्रॉन होती है जी। कई लोगों ने आंसर दिया है कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, फटाफट आंसर करिए आप लोग। हाँ जी जी, इस क्वेश्चन का तो आंसर कोशिका होगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि ये बताइए नर्वस सिस्टम की जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है तंत्रिका तंत्र की, वो क्या होती है, तो वो होती है आपकी न्यूरॉन होती है, वो क्या होती है न्यूरॉन होती है और निफ्रॉन।
इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन आ जाता है हमको आता हुआ क्वेश्चन हम लोग गलत करके आते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए किडनी की वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बताइए, सबसे पहला ऑप्शन था न्यूरॉन, आप न्यूरॉन लगा करके चले आए, ठीक है। होना क्या चाहिए, नेफ्रॉन होना चाहिए और लगा करके न्यूरॉन चले आए, तो इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपके तीन क्वेश्चन क्लियर हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन था शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, या सिंपलेस्ट इकाई क्या होती है, सरलतम इकाई क्या होती है, तो वो होती है आपकी कोशिका। और उसके बाद क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपके सामने, जैसे पूछा जाता है कभी कभी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई बताइए, किसकी किडनी की वृक्क की बताइए, तो वो होता है नेफ्रॉन। अगर तंत्रिका तंत्र की पूछी जाए तो उसको बोलते हैं न्यूरॉन, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दिया था। हाँ जी मैम थोड़ा काम से गई हैं पूनम जी, और वो आ जाएंगी, आपकी क्लास का लास्ट ना होने पाए इसलिए आज हम क्लास लेने चले आए हैं, और क्वेश्चन आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के ऊर्जा ग्रह होते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, साइटोलॉजी का क्वेश्चन है, कोशिका के ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, क्वेश्चन आप में मिलते हैं। तो चलिए बताइए, केंद्रक होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, क्या होता है, फटाफट सभी लोग आंसर करें। हाँ जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर से, जितने लोग हैं सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें। हाँ जी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का नाम है कोशिका के ऊर्जा ग्रह होते हैं, केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, केंद्रक का कोशिका के ऊर्जा ग्रह होते हैं कौन होते हैं, फटाफट आंसर करें, देखते हैं। जी आंसर फटाफट आ भी रहे हैं, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं सी होता है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, आप लोग अच्छा सीख रहे हैं। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, एटीपी बनती है, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। हाँ जी अगर कभी ये आ जाए कि ये बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो बनती है किस रूप में बनती है, तो आप उसका आंसर करेंगे एटीपी के रूप में बनती है। अगर यहां पे एक आंसर आपको ऐसे मिल जाए कि एडीपी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी आंसर ना दिया हो, तो ये आंसर आप बिल्कुल सही लगा सकते हैं, इसका मतलब भी एटीपी होता है। कैसे समझिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब इसमें तीन फॉस्फेट लगे हुए हैं, कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं, तीन फॉस्फेट लगे हुए हैं, और यहां हमने कहा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहां दो फॉस्फेट लगे हैं और एक फॉस्फेट और जुड़ा है, तो मतलब कुल मिलाकर के तीन फॉस्फेट यहां भी हो गए, तीन फॉस्फेट यहां भी हो गए। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब ऊर्जा बनती है वो किस रूप में बनती है, तो वो एटीपी के रूप में बनती है, अगर एटीपी ऑप्शन ना दिया हो और ऑप्शन एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में दिया हो तो आप ये भी लगा सकते हैं। पूछा जाता है ऐसे, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कोशिका से ही पूछे जाते हैं, जैसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह पूछ लिया गया, अगली बार पूछ लिया जाए कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, फटाफट आंसर करें, कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। हाँ जी सी आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सी आंसर होगा, सभी लोग जुड़ गए हैं, काफी लोग जुड़े हैं, सभी लोगों को आंसर भी सही आ रहे हैं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री जो कहलाती है वो राइबोसोम्स होती है, क्या होती है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को कहते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, इसे क्या कहते हैं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यह बताइए कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, या कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ सेल, कंट्रोल रूम ऑफ सेल, कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं, फटाफट जल्दी से सभी लोग आंसर करते रहें, कोशिका का
कंट्रोल रूम किसे कहते हैं? हाँ जी, राइबोसोम सेंसर आया था, तो कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं? तो कोशिका का कंट्रोल रूम जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, न्यूक्लियस को कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन लाइसोसोम, ठीक है। अगला, लाइसोसोम क्या चीज होती है? हाँ जी, लाइसोसोम क्या होती है? लाइसोसोम क्या होता है? ये जो लाइसोसोम होता है, ये कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो यहां पे आपके कई क्वेश्चन निकल के आए, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है, ये आत्महत्या की थैली है। जैसे कि आपने जाना कोशिका का ऊर्जा ग्रह होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, केंद्रक को हम लोग कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहते हैं, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, और जब लाइसोसोम की बात आती है तो लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं आत्महत्या की थैली। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर लगातार दे रहे हैं। हाँ जी, कंट्रोल रूम ऑफ सेल, जी, न्यूक्लियस, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जी, कह रहा है शरीर के ऊतकों में तरल के जमा होने को कहते हैं, शरीर के ऊतकों में तरल के जमा होने को क्या कहते हैं? शरीर के ऊतकों में तरल को जमा होने को क्या कहते हैं? चार का आंसर बताइए फटाफट। हाँ जी, शरीर के ऊतकों में तरल के जमा होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, पेलेग्रा कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं, एडिमा कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। फटाफट आंसर करिए। हाँ जी, शरीर के ऊतकों में, जी देखते हैं, शरीर के ऊतकों में द एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड इन टिश्यू, एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड इन टिश्यू, जल्दी से आंसर करिए। फटाफट, जी देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं भाई, क्या आंसर आता है आप लोगों का। हाँ जी, लिक्विड के टिश्यू के अंदर, ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन आ रहे हैं, चार का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। शरीर में ऊतकों में तरल के जमा होने को कहते हैं, तो शरीर में ऊतकों में तरल के जमा होने को क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। एडिमा ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे शरीर के ऊतक में पानी भर जाता है, और पानी भरने पे वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, जैसे हाथों में स्वेलिंग आ जाए, पैरों में स्वेलिंग आ जाए, पेट में स्वेलिंग आ जाए। याद रखना एक बात और, ऊतक की बात होती है, यहाँ पे दो टर्म और आपको याद रखना है। एक, अगर जनरल तौर पे ये होता है कि जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक्युमुलेशन ऑफ लिक्विड इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऊतक में तरल के जमा होने पर, ऊतक में अगर तरल के जमा हो जाए तो उसको हम लोग एडिमा कहेंगे। यहीं पे दो क्वेश्चन और आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर स्टमक में अगर पानी भर जाए, स्टमक में अगर पानी भर जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्टमक में अगर पानी भर जाए तो उसे एसाइटिस के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं? एसाइटिस कहते हैं। इसी तरह अगर फेफड़ों में पानी भर जाए, ठीक है, अगर फेफड़ों में पानी भर जाए तो उसे हम लोग प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। क्लियर, दो क्वेश्चन आपके ये क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन है कि अगर स्टमक में पानी भर जाए तो एसाइटिस कहते हैं, फेफड़ों में पानी भर जाए तो प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण होता है, ये इसका जो कारण होता है वो कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और ये भी जो कारण होता है एसाइटिस वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, ठीक है। याद रखना है आपको, शरीर में अगर ऊतक में टिश्यू में अगर पानी भर जाए तो उसको हम लोग एडिमा कहते हैं। हाँ जी, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? एडिमा हो जाएगा। अगर शरीर में सूजन आ गई तो डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर साहब आपको क्या देते हैं? उस पानी को निकालने के लिए एंटी डायूरेटिक्स देते हैं। क्या देते हैं? एंटी डायूरेटिक्स मेडिसिन देते हैं, जैसे डाइटार दे देते हैं। हाँ जी, क्या दे देते हैं? डाइटार दे देते हैं, लैसिक्स दे देते हैं, ये सब एंटी डायूरेटिक्स मेडिसिन होती हैं, वो सब देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? डायूरेसिस ज्यादा होती है। मतलब अगर आप 10 mg की टेबलेट छोटी सी खाते हैं तो आपको दिन में कम से कम 8 से 10 बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि शरीर में पानी भरा हुआ है, उसको पानी निकालना है, तो जनरल कंडीशन पे तो टेबलेट से काम चल जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पानी भरा है पेट में, साइटिस बहुत ज्यादा मात्रा में है या प्लूरल इफेजन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, छोटी सी पाइप डाली जाती है, उसके माध्यम से पानी को बाहर निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो क्या था, वो एडिमा है। एडिमा को बोलते हैं सूजन बोलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, हाँ जी, थ्री का आंसर क्या था, सी था। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कोशिका की खोज किसने की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन साहब, रॉबर्ट हुक साहब, या विल्सन साहब, या हाइमैन साहब, फटाफट बताइए। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है कि ये बताइए कोशिका की खोज किसने की है। साइटोलॉजी का क्वेश्चन है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान में चूंकि हमने क्वेश्चन दिया है, तो यहां से सबसे पहले हमने सोचा था कि हम सेल से क्वेश्चन देंगे। हाँ जी, सेल से क्वेश्चन भी दे देंगे, कुछ क्वेश्चन आपको सेल से भी मिलेंगे, क्योंकि जब भी हम, अगर किसी भी इंसान की उत्पत्ति होती तो वो किससे होती है, सेल से उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले सेल बनता है, सेल मिलकर के छोटी छोटी ऊतक बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के आर्गन बनाते हैं, और आर्गन मिलकर के आर्गन सिस्टम बनता है, और आर्गन सिस्टम मिलकर के पूरी बॉडी का निर्माण हो जाता है। इसलिए कुछ साइटोलॉजी के भी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोशिका की खोज पूछी गई है, कौन कोशिका की खोज किए हैं, रॉबर्ट ब्राउन साहब किए हैं, या रॉबर्ट हुक साहब किए हैं, या विल्सन साहब किए हैं, या हाइमैन साहब किए हैं, फटाफट बताना है। सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं और वो भी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक साहब। तो रॉबर्ट हुक साहब कोशिका की खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन साहब न्यूक्लियस की खोज किए थे। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। हाँ जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है अंतः श्वसन होता है, इनहेलेशन टेक्स प्लेस, इनहेलेशन टेक्स प्लेस, अंतः श्वसन होता है, क्या होता है, श्वसन नलिका में रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच, फेफड़ों में, या इसमें कोई नहीं, द रेस्पिरेशन ट्रैक, या बिटवीन ब्लड सेल्स एंड टिश्यू, या द लंग्स, या नन ऑफ दीज। इसमें कह रहा है इनहेलेशन टेक्स प्लेस, अंतः श्वसन को बोलते हैं इंस्पिरेशन, ये इनहेलेशन यहां पे लिखा है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, इंग्लिश में इंस्पिरेशन बोलते हैं अंतः श्वसन को। कहां होता है अंतः श्वसन, जनरल तौर पे अगर हम श्वसन को पढ़ते हैं तो श्वसन को हम चार तरीके से पढ़ते हैं, एक तो बाह्य श्वसन पढ़ते हैं, दूसरा अंतः श्वसन पढ़ते हैं, तीसरा कोशिकीय श्वसन पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज भी होता है। हाँ जी, तो श्वसन को हम चार से पांच माध्यम से पढ़ते हैं, तो उसी में आपको पूछा गया है कि जो अंतः श्वसन होता है वो कहां पे होता है, श्वसन वाली नलिकाओं में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, बिटवीन ब्लड सेल्स एंड टिश्यू में होता है, या लंग्स में होता है, या नाम दीजिए, इसमें से कहीं नहीं होता है, फटाफट बताना है। जितनी जल्दी आप वो बताएंगे उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा। पांच नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट करिए सभी लोग, बिल्कुल जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग पांच नंबर क्वेश्चन का आंसर करते रहे, अंतः श्वसन होता है। हाँ जी, तो अंतः श्वसन होता है किसमें होता है, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, बिटवीन ब्लड सेल्स एंड टिश्यू में, द लंग्स में, नन ऑफ दीज। देखते हैं आंसर क्या रहा है, कई लोग बी आंसर दे रहे हैं और कई लोग सी आंसर दे रहे हैं। पांच का कई लोग बी आंसर दे रहे हैं, कई लोग सी आंसर दे रहे हैं, कई लोग ए आंसर दे रहे हैं। तो पांच का जो आंसर होगा वो रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच होगा। रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच जो श्वसन होता है उसे अंतः श्वसन कहते हैं। एक नजर में आप देख लीजिए, फटाफट एक नजर में आप देख लीजिए कैसे अंतः श्वसन होता है। मान लीजिए ये फेफड़े होते हैं, हाँ जी ये फेफड़े हैं, और फेफड़े में क्या होती है, छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं आगे चल करके, इन्हीं पुटिकाओं को हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इन पुटिकाओं को एल्वियोलाई कहते हैं। यहां पे ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ऑक्सीजन गैस यहां से आती है, आने के बाद इन पुटिकाओं में जाती है, मतलब इन एल्वियोलाई में जाती है, और इन एल्वियोलाई से कहां पहुंचती है, ब्लड में जाती है। तो एक इधर देख लीजिए, मान लीजिए ये हमने एक एल्वियोलाई बना दी है, पुटिका बना दी है, ये स्ट्रक्चर, और यहां पे हमने ब्लड वेसल्स बना दिया है, ये है आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन आई, ठीक है, और ये ऑक्सीजन गई ब्लड में, कहां गई, ब्लड में,
ये ऑक्सीजन गई ब्लड में, और ब्लड में क्या होता है हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी एक स्ट्रक्चर बना लेगी, उस स्ट्रक्चर का नाम है HbO2, जिसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हाँ जी, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में सर्कुलेट करेगा, ठीक है, और ऊतक के पास जाएगा। जिस किसी ऊतक को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन उस ऊतक के पास पहुंचेगा और क्या करेगा, जो HbO2 यहां पे बना था, HbO2 बना था, ये यहां ऊतक मतलब टिश्यू के पास आने पर टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? HB में टूट जाएगा और O2 में टूट जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन लाया था ये कहां चला जाएगा? ऊतक में चला जाएगा। ऊतक को चाहिए क्या ऑक्सीजन? क्यों? क्योंकि ऊतक को जिंदा रहना है, टिश्यू को जिंदा रहना है, तो टिश्यू जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए उसको? ऑक्सीजन चाहिए। अब जैसे ही ऑक्सीजन इस ऊतक में आ जाएगा, ऊतक में कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज होगा, ये ऑक्सीजन आकर के इस ऊतक में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवा देगी। क्या करवा देगी? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवा देगी, और जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा, जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा, देखो C6H12O6 ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा, अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया तो यहां पे CO2 गैस बनेगी, यहां पे वाटर बनेगा और यहां पे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इस टिश्यू में क्या बन गई? CO2 बन गई। अब टिश्यू में CO2 बन गई मतलब ऊतक में CO2 बन गई, आई क्या थी? O2। यहां पे कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ और बन क्या गई? CO2। अब ये CO2 फिर ब्लड में जाएगी, और ब्लड से फिर कहां पहुंचेगी? हमारे फेफड़ों के पास पहुंचेगी, मतलब एल्वियोलाई के पास पहुंचेगी, और यहां से CO2 जो है बाहर निकल जाएगी। तो इस श्वसन को क्या बोलते हैं? इस श्वसन को बोलते हैं अंतः श्वसन। रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच, रक्त कोशिका ये हो गई, ऊतक ये हो गए, रक्त कोशिका और ऊतक के बीच जो श्वसन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन बोलते हैं। अगर बाह्य श्वसन की बात की जाए, बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? तो जो हम लोग सांस लेते हैं बाहर से और सांस छोड़ते हैं, इसको हम लोग बाह्य श्वसन बोलते हैं। तो जो बाह्य श्वसन होता है वो सांस लेना और छोड़ना हो गया, जो अंतः श्वसन होता है वो यहां किसके किसके बीच? रक्त कोशिकाओं और ऊतकों के बीच होता है। तो ये देखो आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है कि रक्त कोशिकाओं और ऊतकों के बीच जो श्वसन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतः श्वसन कहते हैं। हाँ जी, तो कितने लोगों को समझ में आ गया? फटाफट हाथ बिल्कुल थंबनेल ऐसे करें जितने लोगों को समझ में आ गया है, सभी लोग। हाँ जी बताएं, कितने लोगों को समझ में आ गया है? जी पूनम जी, हाँ सभी लोगों को समझ में आ गया है जी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था कि अंतः श्वसन किसे कहते हैं, आपने बिल्कुल समझ लिया। फेफड़ों से ऑक्सीजन आई पुटिकाओं में, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां पहुंच गई? ब्लड में। ब्लड से ऑक्सीजन कहां पहुंच गई? ऊतक में। भाई ऊतक को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब ये प्रोसेस सीधी चल गई। अब फिर ऊतक में होगा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, CO2 बनेगी। अब जैसे CO2 ऊतक में बन जाएगी, ये CO2 पहुंच जाएगी ब्लड में, और जब ब्लड में पहुंच जाएगी तो ब्लड में होगा हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन CO2 को बाइंड कर लेगा। तो जैसे ऑक्सीजन ने CO2 को बाइंड, ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड किया था तो एक स्ट्रक्चर बना था, उस स्ट्रक्चर का नाम था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेगा और इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, तीन गैस दे देंगे, पहली गैस दे देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैस दे देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरी गैस देंगे कौन सी? ऑक्सीजन। और क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे ज्यादा मोहब्बत का हीमोग्लोबिन किससे करता है? क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि सबसे ज्यादा मोहब्बत हीमोग्लोबिन किससे करता है? तो आपको आंसर फटाक से बताना होगा कि सबसे ज्यादा जो अफिनिटी होती है, सबसे ज्यादा जो अफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। किसके साथ? तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है,
ऑक्सीजन मत लगा के चले आना, क्योंकि आपको यह पता है कि ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन बिल्कुल मत लगा करके आना, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड लगा करके आना है कि सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन किससे मोहब्बत करता है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड से। या ये समझिए कि अगर कभी एक कोई गाड़ी हो, मान लो फोर व्हीलर हो, वो बंद हो, पूरी तरह से बंद हो, अंदर किसी इंसान को बैठा दीजिए और सिगरेट उसको दे दीजिए, जल्दी वो सिगरेट पी रहा हो, सिगरेट का जो धुआं होता है वो उस, और वो गाड़ी जो है फोर व्हीलर चलती रहे, मतलब स्टार्ट रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी और इंसान की डेथ हो जाएगी। ये तो हमने ऐसे ही बता दिया जी, सभी लोगों को समझ में आ गया है, बहुत अच्छा लगा कि सभी लोगों को समझ में आ गया है एक बार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके यहां से चार क्वेश्चन बने और इन्हीं चार क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्वेश्चन आ जाएगा कि HbO2 क्या है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है क्वेश्चन आ जाएगा, HbCO2 क्या है, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन की अफिनिटी किससे होती है, CO से या CO2 से या O2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंतः श्वसन समझ लिए, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, कह रहा शरीर के सूक्ष्मतम जीवित इकाई क्या है, सबसे छोटी और जीवित इकाई, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। शरीर के सूक्ष्मतम जीवित इकाई, ऑप्शन है ऊतक, कोशिका, तंत्रिका या इसमें से, इनमें से सभी, टिश्यू, सेल, नर्व या ऑल ऑफ दीज, फटाफट बताइए शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। एक नंबर को मतलब क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और आ भी चुका है आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही आंसर करते हैं। हाँ जी, फास्ट कराएंगे, बिल्कुल फास्ट कराएंगे, थोड़ा बताने लगते हैं ताकि आपके उसके अराउंड में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाए, नहीं बहुत फास्ट करा देंगे तो आप सिर्फ रट पाएंगे क्वेश्चनों को, बहुत फास्ट कराने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन आपको रटना हो तो हम पढ़ा दें, ठीक है, ऐसे बता दें। अगर आपको सीखना है अराउंड की चीजें तो हम क्या करेंगे, चीजों को थोड़ा एलिब्रेट करेंगे। हाँ जी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। जी बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा, बी, एक बार हो चुका है क्वेश्चन इस तरह का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। देखो एटीपी किससे संबंधित है, माइटोकांड्रिया से, गाल्जीकाय से, केंद्रक से या गुणसूत्र से, किससे संबंधित है, आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जी वो नंबर आप जरूर डाल दिया करिए कि नंबर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर का नंबर क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है, एटीपी किससे संबंधित है, आपको पता है हमने इससे पहले बता भी चुके हैं कि माइटोकांड्रिया से संबंधित है, यहीं पे अगर पूछा जाए एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट तो ये भी तो एटीपी है, ये पूछा जाए किससे संबंधित है तो आप बता पाएंगे, माइटोकांड्रिया से संबंधित है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्या काफी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है, Why does muscle spasms suddenly while exercising after a long period of time? बताना है आपको, अगर काफी समय के बाद अचानक से आप एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है और मांसपेशियां दर्द होने लगती हैं, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, मांसपेशियां दर्द होने लगती है, इसका आंसर बताइए फटाफट बताइए। हाँ हाँ जी, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा। जी जल्दी से बताइए, व्हाई डज मसल स्पास्म सडनली व्हाइल एक्सरसाइजिंग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद अगर आप कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, क्यों क्यों ऐंठन हो जाती है, क्योंकि एसिटिक एसिड के उत्पादन के कारण, लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन के कारण, या सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के कारण, फटाफट बताइए। हाँ जी, देखते कितने लोग आंसर सही करते हैं, लगभग लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, पूनम जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, हाँ जी अनिरुद्ध जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, अरुण हिमा पांडे जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, अर्चना सिंह जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, सिप्रा जी ने भी बिल्कुल सही आंसर किया है, हाँ जी कंचन पाल जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। हाँ जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बी, लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण, ठीक है, जब हम ज्यादा कसरत कर लेते हैं तो बॉडी में या मसल्स में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से थकान लगती है, मसल्स में स्पाज्म आने लगते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, पेशी तनाव जिसको टिटैनी के नाम से जानते हैं,
पेशी तनाव, टिटेनी नामक रोग होता है, अभी मसल स्पाज्म आ गया, इसमें भी मसल स्पाज्म होता है पेशी तनाव में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, मस्कुलर टेंशन आती है, डिसीज कॉल्ड टिटेनस कॉल्ड। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें था कि मसल में अगर स्पाज्म हो जाए लंबे समय से कसरत करने के बाद, और ये क्वेश्चन है पेशी तनाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी समझ से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। देखते फटाफट क्वेश्चन का आंसर करें, 9 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर करें, आंसर नंबर जरूर डाल दिया करिए आप लोग, 9 का डी कुछ लोग बोल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम होने से, या शरीर में सोडियम का स्तर कम होने से, या शरीर में कैल्शियम का स्तर अधिक होने से, या शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए जी, पेशी तनाव टिटैनी। हाँ जी, अगर शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। और ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन आती है जब पैंक्रियाज, जिसको बोलते हैं अग्न्याशय की बीटा सेल जो होती है, वहां से इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन की कमी हो जाए तो बीमारी हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन की कमी हो जाए, बीटा कोशिका से पैंक्रियाज की इंसुलिन निकलती है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो उस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। हाँ जी, एक डायबिटीज इंसिपिडस भी होती है, और जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है वो एडीएच की कमी से होती है। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाए तो डायबिटिक इंसिपिडियस होता है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज मेलाइटस होता है। जो एडीएस होता है इसमें बार बार पेशाब लगती है, ठीक है, और जो इंसिपिडियस होता है इसमें मीठा बिल्कुल बंद हो जाता है। हाँ जी, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होती है। अगर सोडियम का स्तर कम हो जाए तो क्या हाइपोनाइट्रीमिया हो जाता है, हाइपोनाइट्रीमिया, इंसान पागल होने लगता है, अजीब हरकतें करने लगता है। हाँ जी, शरीर में कैल्शियम का स्तर अगर अधिक हो जाए तो हाइपर कैल्शीमिया हो जाता है। हाँ जी, अगर शरीर में कैल्शियम का स्तर कम हो जाए, चूंकि आपने पढ़ा होगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि कैल्शियम के लिए जिम्मेदार होता है। शरीर में कैल्शियम का अगर कमी हो जाएगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, उसमें तनाव आ जाएगा, उस बीमारी को बोलते हैं टिटैनी। और ये होता है शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने पर, शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने पर। जी बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, शरीर में कैल्शियम का स्तर कम हो जाएगा तो टिटैनी नामक बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पेशियां किसके जमाव के कारण थक जाती है? अभी आप क्वेश्चन करके आए हैं, बिल्कुल इसी कारण, इसी की वजह से, ठीक है, कि पेशियां किसके जमाव के कारण थक जाती है। अभी एक क्वेश्चन करके आप आए इससे पहले कि अगर काफी समय के बाद अगर हम कसरत करते हैं तो उसमें कौन सा किसका जमाव हो जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, किसका जमाव हो जाता है, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, पेशियां किसके जमाव के कारण थक जाती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण थक जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसका जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है। 10 नंबर का आंसर ए बिल्कुल सही, 10 नंबर का ए बिल्कुल सही। 11 नंबर पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। कह रहे हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, फटाफट आंसर करते रहे। पसलियों जिसको हम लोग रिप्स बोलते हैं, रिब्स के कितने जोड़े होते हैं, कितने पेयर रिब्स होती हैं, फटाफट आपको याद रखना है, 732 आपको याद रखना है। 732 का मतलब होता है 12 पेयर, 732 का मतलब होता है 12 पेयर, 7 + 3 + 2, ठीक है, एक तरफ 12 और एक तरफ 12, 24 होती है टोटल। अगर पेयर की बात कर ले तो 12 पेयर रिप्स होती है, याद रखना है, जिसमें से इनके नाम भी हैं, कुछ ट्रू रिप्स होती है, कुछ फॉल्स रिप्स होती है, कुछ फ्लोटिंग रिप्स होती है, कुछ सत्य पसलियां होती हैं, कुछ असत्य पसलियां होती हैं, और कुछ पसलियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो तैरने वाली पसलियां होती हैं। तो आपको यहां पे याद रखना है, जो ट्रू रिप्स होती हैं, ट्रू रिप्स की संख्या होती है 7, फॉल्स रिप्स की संख्या होती है, फॉल्स रिप्स की संख्या होती है 3, फ्लोटिंग रिप्स की संख्या होती है 2, ठीक है, फ्लोटिंग रिप्स की संख्या है 2, याद रखना है आपको, इसमें से 7, 3, 2, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स और फ्लोटिंग रिप्स, सत्य पसलियां, असत्य पसलियां और फ्लोटिंग। सत्य पसलियां वो होती हैं जो आगे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और पीछे किसे वर्टिब्री से जुड़ी होती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सत्य पसलियां। और जो फॉल्स पसलियां होती है, एक तरफ तो जुड़ी रहती है, एक तरफ नहीं जुड़ी रहती है,
और जो फ्लोटिंग लिफ्ट होती है वो तो एक ही तरफ जुड़ी रहती है, लेकिन आपको कैसी दिखेंगी, तैरती हुई दिखेंगी, इसलिए उनको फ्लोटिंग लिफ्ट बोलते हैं। आप ये नंबर जरूर याद रखना, बड़ा होता है 732, तो 732 का मतलब सात होती है टू रिप्स और फास्ट रिप्स होती है कितनी। अगर पेयर में पूछा जाए तो सेवन पेयर लगाना, सेवन पेयर नहीं, सेवन पेयर का मतलब 7 × 14 हो गया, हाँ जी 14 होती है, 14 टू रिप्स होती है, 6 फॉल्स रिप्स होती है और 4 रिप्स होती है फ्लोटिंग, ये आपको याद रखना है। यही पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि खरगोश में जो पसलियां पाई जाती हैं वो कितनी पाई जाती है और कितने पेयर में होती हैं, ठीक है। तो इसमें 732 है, उसमें आप 723 याद रखना, हाँ जी 723, 7 होती है टू रिप, 2 होती है फॉल्स रिप, 3 होती है फ्लोटिंग रिप, कुल मिलाकर के उसमें भी 12 पेयर रिप्स होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, रैबिट की बात कर रहे हैं, तो रैबिट में भी 723 पसलियां होती हैं, हाँ जी कितनी पसलियां होती हैं, 723। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, जोड़े में पूछा गया था तो 12 जोड़े पसलियां जो होती है वो टू रिप्स की होती है, 12 जोड़ी पसलियां होती है वो टू रिप्स की होती है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत प्यारा क्वेश्चन। शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं, शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं, जनरल तौर पे हड्डियों की बात कर लें तो शरीर में बोन कितनी होती है, शरीर में बोन कितनी होती है, तो शरीर में बोन आपको पता है, शरीर में बोन कितनी होती है, 206 बोन होती है, हाँ जी। एडल्ट की बात कर रहे हैं हम, अगर मांसपेशियों की मतलब मसल्स की बात कर लें, मसल्स कितनी होती है, तो 639 मसल्स होती है, आपको याद रखना है, 639 मसल होती हैं, याद रखना है आपको। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी मसल कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी मसल कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी जो है मांसपेशी कौन सी है, तो उसका नाम है ग्लूटिमस, ग्लूटिमस मैक्सिमस, उसका नाम है ग्लूटिमस मैक्सिमस। आपके लिए एक होमवर्क है, आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि ये बताइए शरीर की सबसे छोटी मसल का नाम क्या है, सबसे छोटी पेशी का नाम क्या है शरीर की, शरीर की सबसे छोटी पेशी का नाम आपको बताना है, शरीर की सबसे बड़ी पेशी का नाम हमने बता दिया है, उसका नाम है ग्लूटिमस मैक्सिमस, और शरीर की सबसे छोटी मसल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है, सबसे छोटी मसल का नाम क्या है, मांसपेशी का नाम क्या है। बोन की बात कर ले तो सबसे बड़ी बोन का नाम भी आप जानते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, फीमर होती है, और सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपिडीज होती है, स्टेप्स होती है, जो कि कान की बोन होती है सबसे छोटी, और सबसे बड़ी थाई की बोन जिसको हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। ग्लूटिमस मैक्सिमस सबसे बड़ी मसल है, और हमने आपको बता दिया है कि मांसपेशी लगभग कितनी होती है, तो ये आंसर आपके लिए सही हो जाएगा, 500 से 600 डी आंसर सभी को आ गया है, हाँ जी कान की, हाँ जी ग्लूटिमस मैक्सिमम सबसे छोटी, बताइए सबसे छोटी मसल का नाम, जी बहुत बढ़िया, सबसे छोटी मसल का नाम आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा पेशियों के विकास के लिए आवश्यक होता है, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, पेशी मतलब मांसपेशी उनके विकास के लिए का जरूरत होती है, इट इज द नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मसल, प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम व विश्राम, स्वच्छ वायु या इसमें से सभी। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है, पेशियों के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है, पेशियों के विकास के लिए प्रोटीन युक्त भोजन, बिल्कुल पेशियों के विकास के लिए प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए, क्या चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए, व्यायाम भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए, स्वच्छ वायु भी चाहिए, तभी पेशियों का विकास होगा, और इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही जाएगा, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, और सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, डी आंसर इसका सही होगा, हाँ जी कैंसर सही होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन कह रहा है मांसपेशियों, मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियों शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं, शरीर का जो कुल भाग होता है उतने कितने प्रतिशत भाग मांसपेशियां होती हैं, ये आपको बताना है, फटाफट आप लोग आंसर करते रहें। हाँ जी बताइए कुल कितने प्रतिशत होती हैं,
14 मांसपेशियों शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती है मांसपेशियां, देखते कितने लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कितने प्रतिशत। हाँ जी कुछ लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, कितने प्रतिशत होती है 50% होती है, 50% मांसपेशियां जो शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती है 50% मांसपेशियां होती है, और 50% में बोल होती है, 50% में कुछ सर्कुलेटरी प्रोडक्ट होते हैं। हाँ जी तो ये सब 50% में होते हैं। हाँ जी तो ये अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल प्यारा था, आपने बता दिया बिल्कुल आंसर इसका 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखो कह रहा जब हड्डियां टूट जाती हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है, इसे क्या कहा जाता है। जब हड्डियां टूट जाती हैं व्हेन बोन्स आर ब्रोकन ब्लड क्लॉट्स फॉर्म व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं। जब हड्डियां टूट जाती हैं, देखो हड्डियों में भी ऐसी बात नहीं, हड्डियों में ब्लड होता है। हाँ जी ये जो हड्डी है, हड्डी होती है, हड्डी में क्या होता है, दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एक यहां पे पाया जाता है और एक इसके बीच में पाया जाता है। हाँ जी जो यहाँ पे होता है उसको हम लोग छोटे छोटे पोर होते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेड बोन मैरो बोलते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं, ये रेड बोन मैरो है। यहाँ पे जो होता है उसको हम लोग येलो बोन मैरो के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, येलो बोन मैरो के नाम से जानते हैं। आपको इतना पता है जो रेड बोन मैरो होता है यहाँ आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी बनती है या तो फिर ब्लड का निर्माण होता है, ब्लड बनता है रेड बोन मैरो में। जो येलो बोन मैरो होता है यहाँ पे एक टिश्यू पाया जाता है, उस टिश्यू का नाम होता है एडिपोस टिश्यू। क्या नाम होता है, एडिपोस टिश्यू, जिसको हिंदी में हम लोग जलीय टिश्यू के नाम से जानते हैं। और इस एडिपोस टिश्यू में क्या होता है, इस एडिपोस टिश्यू में वसा का जमाव होता है। हाँ जी तो आपका क्वेश्चन क्या है, जब हड्डियां टूट जाती हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है, इसे क्या कहा जाता है। आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं, इसे क्या कहा जाता है। चाहे हड्डियां टूट जाए या कहीं ब्लड वेसल दिक्कत हो जाए तो वहां पे अगर क्लाटिंग होने लगती है ब्लड की, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, हेमरेज के नाम से जानते हैं। कैलस दूसरा होता है, हिमाटोमा दूसरा होता है, हीमोफीलिया दूसरा होता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, हीमोरेज के नाम से जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लगभग सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। हाँ जी क्या आंसर हो जाएगा, डी, उसको क्या बोलेंगे, हीमोरेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 अगला, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि आ गई ह्यूमरस होती है, थाई बोन होती है, या इंडोकार्डियम होती है, अंताजंगिका या फिबुला होती है, आपको बताना है। प्रगंडस्थि होती है, जंघास्थि होती है, अंतजंगिका होती है या बाह्यजंगिका होती है, आपको यह बताना है। मानव की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, सबसे लंबी बोन होती है और वही सबसे बड़ी बोन होती है। फटाफट बताइए, देखते कितने लोग आंसर बता पाएंगे, बिल्कुल सही आंसर इसका बताएंगे आप लोग। कौन सा क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, और उसका आंसर आप लोग जानते हैं, बता चुके हैं। थाई बोन, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, फीमर के नाम से जानते हैं, जो थाई बोन होती है फीमर के नाम से जानते हैं, ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सभी लोगों के बिल्कुल सही आंसर आए थे, सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टर्नम को कहते हैं, स्टर्नम हंसली की हड्डी है, सीने की हड्डी है, कंधे की हड्डी है, कालर की हड्डी है, फटाफट बताइए स्टर्नम। हाँ जी क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिए, 16 का भी सभी लोगों का आंसर सही है, 17 का आंसर बताइए। हाँ जी 17 का आंसर बताइए, करा स्टर्नम को कहते हैं, याद रखना जो स्टर्नम होती है वो एक फ्लैट बोन होती है, कैसी होती है, फ्लैट बोन होती है, इसी से आकर के पसलियां जुड़ती हैं, इसी से आकर के क्या जुड़ती हैं, पसलियां जुड़ती हैं। तो स्टर्नम जो होती है वो बिल्कुल सामने की बोन होती है, फ्लैट बोन होती है। ये बोन जो होती है ये किसकी किसकी है, सीने की हड्डी है, किसकी हड्डी है, सीने की हड्डी है, तो स्टर्नम को कहते हैं सीने की हड्डी, क्लियर। कालर की हड्डी दो होती है, एक स्कैपुला होती है और क्लेविकल होती है, ठीक है। स्कैपुला जो कि फ्लैट बोन वो भी होती पीछे वाली, और क्लेविकल जो होती है वो यहाँ पे लगती है, जिसको हम लोग कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, वो क्लेविकल होती है। हाँ जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी होगा, 17 नंबर का आंसर क्या होगा, भी सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ गए हैं। सभी लोग जुड़ते रहे, कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला 18 नंबर क्वेश्चन,
करा मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्रेनियम की बात कही गई है, अगर पूरी खोपड़ी की बात कही जाए, स्कल की बात कही जाए, सबसे पहले दो क्वेश्चन यहां पे समझ लीजिए आप। स्कल अलग होता है, क्रेनियम अलग होता है, ठीक है। स्कल की बात कही जाए कि टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है, जिसमें से आपको अगर हम गिनाना स्टार्ट कर दें तो क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम में कुल 8 हड्डियां होती हैं, फेस में कुल हड्डियां होती हैं 14, ठीक है, और ईयर आजकल, हां जी, 14 कितना हो गया 20। जो ईयर की बोन होती हैं, ईयर की जो बोन होती हैं, क्रेनियम की 8 वो हो गई, ईयर की जो बोन होती है वो 6 होती है, और एक हायोइड बोन होती है। कौन सी? हायोइड बोन होती है। कुल मिलाकर के गिन लीजिए 29 बोन हो गई, 14 हो गया, हाँ जी, फेस की 14, 14, 8, 22, 6, 28 और 29 बोन टोटल होती है स्कल में। क्रेनियम की बात कर ले तो आप बताइए, क्रेनियम में 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है, 16 होती है, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 18 का क्या होगा? कितनी होती है क्रेनियम में? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल एक एक होती है, हाँ जी, और जो पेराइटल और टेम्पोरल होती है वो दो दो होती है, हाँ जी। कुल मिलाकर के हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। कौन कौन सी? तो फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमोइड और स्फिनोइड। फिर से एक बार बोल रहा हूं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमोइड और स्फिनोइड, कुल मिलाकर के 8 बोन होती है क्रेनियम में। क्रेनियम का मतलब होता है खोपड़ी, हाँ जी, खोपड़ी का मतलब ऊपर का भाग। तो इसमें कितनी हड्डियां होती है? तो इसमें 8 हड्डियां होती हैं। नाम हमने आपको बता दिया है, फ्रंटल नाम है, पेराइटल नाम है, टेम्पोरल नाम है, ऑक्सीपिटल नाम है, इथिमोइड नाम है और स्फिनोइड नाम है। तो कुल मिलाकर के फेस में अगर पूछा, टोटल हड्डियों की संख्या स्कल में पूछी जाए 29, फेस में पूछा जाए 14, क्रेनियम में पूछा जाए 8, कान में पूछा जाए 6, हायोइड बोन एक होती है, टोटल 29 हो जाती है, और क्रेनियम में टोटल बोन की संख्या होती है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। जी बिल्कुल सही अंजनी राय जी, थोड़ा सा देर हो गई आपको, गुड इवनिंग, हाँ जी। तो इसका क्या होगा? ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 करा, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक होता है? हेल्दी बोन्स के लिए, या हेल्दी किडनी के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी लीवर के लिए? किसके लिए अच्छा होता है? स्वस्थ अस्थियां, स्वस्थ गुर्दा, स्वस्थ त्वचा, स्वस्थ यकृत, किसके लिए होता है? तो आपको पता है कैल्शियम जो जरूरी होता है वो हड्डियों के लिए जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? स्वस्थ अस्थियां। 19 का आंसर क्या सही होगा? ए सही हो जाएगा। स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? स्वस्थ दांतों एवं अस्थियों के लिए आवश्यक है, स्वस्थ दांतों एवं अस्थियों के लिए आवश्यक है, दांत के लिए और अस्थि के लिए। तो दांत के लिए, अस्थि के लिए तो आप जानते हैं कैल्शियम आवश्यक है, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस, विटामिन ए, लौह और तांबा, दोनों के लिए आपको बताना है, दांतों के लिए भी और अस्थियों के लिए, हाँ जी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 है, फटाफट बताइए जी, 20 का आंसर फटाफट बताइए। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग 20 का आंसर बताइए, सभी को शेयर करिए ताकि सबके क्वेश्चन बिल्कुल सही सही जाएं, सभी लोग क्वेश्चनों के माध्यम से सीखें। क्वेश्चन के माध्यम से आप कई चीज सीख लेते हैं, एक चीज नहीं कई चीज सीख लेते हैं, इसीलिए संस्था ने कहा कि बिल्कुल आपका लॉस ना होने पाए, मैम गई है काम से, थोड़ा उनका काम हो जाए तब तक के लिए हम क्लास ले लेते हैं, आप क्लास के माध्यम से चीजों को सीखते रहें, ये क्लास इसी टाइम पे कंटिन्यू रहेगी, मैम ही क्लास लेंगी, तो मैम को थोड़ा काम था इसलिए हमने क्लास ले ली है, ठीक है। और हम भी होम साइंस का जो है, फिजियोलॉजी का, फिजियोलॉजी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो टॉपिक पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी क्लासेस, यहाँ ऑफलाइन भी चलती हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो चलिए, स्वस्थ दांतों एवं अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है, क्योंकि दांत की बात आती है तो दांत में कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। हड्डियों में, दांतों,
हड्डियां जो होती हैं वो कैल्शियम के लिए जिम्मेदार होती है और दांत जो होते हैं वो फास्फोरस के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो दांत होते हैं याद रखना। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है बॉडी का, तो अगर हार्डेस्ट मटेरियल की बात पूछा जाए कि हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है बॉडी का, ठीक है, तो वो आपको बताना होगा वो क्या होता है, दांत का इनेमल होता है। क्या होता है? दांत का इनेमल। जो दांत का इनेमल होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है इन और बॉडी हमारी बॉडी का। जी कल इतने बजे ही क्लास होगी, कल इतने बजे ही क्लास होगी। हां जी कल जो क्लास की टाइमिंग है वो इतने बजे होगी। हार्डेस्ट मटेरियल पूछा जाए बॉडी का तो आप इनेमल बताना है। यहां पे स्वस्थ दांत एवं अस्थियों के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ये हुआ कि ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, त्वचा को, अस्थि को, नेत्र को, गला को। तो याद रखना ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बोन को बनाने वाली कोशिका का नाम क्या होगा, तो बोन को बनाने वाली कोशिका का नाम होगा ऑस्टियोसाइट। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बोन को बनाने वाली कोशिका का नाम क्या है, ऑस्टियोसाइट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब जो हड्डी होती है हड्डी में पोर हो जाए, छोटे छोटे पोर हो जाए, हड्डी की कैल्शियम निकल जाए और छोटे छोटे पोर हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के हड्डी को प्रभावित करती है। हाँ जी अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए, हड्डियों तोड़ी भी जाती हैं, छोटी छोटी मतलब टूटने लगती हैं, एज बढ़ने पर हड्डियां टूटने लगती हैं, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हड्डियों को तोड़ने वाली सेल का नाम बताओ, तो उसका नाम हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो होती है वो हड्डियों को तोड़ने वाली सेल्स होती है, हड्डियों को बनाने वाली जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। हाँ जी और हड्डी का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं क्या, ऑस्टियोलॉजी। क्लियर। और हड्डी किसकी बनी होती है, कैल्शियम की, और हड्डी अगर कमजोर हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो हड्डियों की बात की गई तो अस्थि जो होती है, हड्डियां जो होती है उसमें किस किस अंग के लिए प्रभावित करती है, तो अस्थि को प्रभावित करती है। जी बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर। लिगामेंट जोड़ता है, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, हड्डी को पेशी से, पेशी को पास से, मतलब बोन टू बोन, मसल टू मसल, बोन टू मसल, कार्टिलेज टू कार्टिलेज, बताना है आपको। लिगामेंट स्नायु कहते हैं। फटाफट आंसर करते रहे, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। यहां से दो चीजें समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है, बोन को बोन से कौन जोड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है बोन को मसल से कौन जोड़ता है। याद रखना है बोन को मसल से कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है, ठीक है, जिसको टेंडन कहते हैं। और बोन को अगर बोन से कौन जोड़ता है तो उसको लिगामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। बोन को मसल से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। और बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। तो याद रखना लिगामेंट स्नायु जोड़ता है किसको, बोन को बोन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। और बोन को मसल से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। अगला क्वेश्चन ये आप बताएंगे, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर। हां जी हाँ, इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो बिल्कुल मत कंफ्यूज हो, इसलिए समझो एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ये नाम तो आप याद ही कर सकते हैं, एक नाम याद कर लेना। क्या नाम याद करना है आपको, नाम याद करना है बीएम टंडन। क्या नाम रखना है, बीएम टंडन। बीएम टंडन अगर आप नाम याद रख लेते हैं तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे बोन को मसल से कौन जोड़ता है, टंडन जोड़ते हैं।
बोन को मसल से कौन जोड़ता है? टंडन जोड़ते हैं, तो बोन को मसल से जोड़ने का काम टंडन करता है। तो अगर ये आपको याद है तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, ये तो लिगामेंट होता है बोन को बोन से। नहीं याद हो रहा तो समझिए, ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, मान लो ये घुटना है, घुटना एक घुटना नहीं, ये मान लो यहां की हड्डियां हैं, यहां पे हड्डी है और यहां पे हड्डी है, तो यहां की हड्डी यहां की भी एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक है। वो किससे जुड़ी रहती है? एक दूसरे से जुड़ी रहती है, किससे जुड़ी रहती है? तो लिगामेंट से जुड़ी रहती है। तो ये आपके लिए ट्रिक है, बोन को बोन से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। बोन को मसल से कौन जोड़ता है? तो टंडन साहब जोड़ते हैं, बीएम टंडन, याद रखना। क्वेश्चन है एक आपके लिए, ये बताइए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां पे एक मसल दूसरी मसल से जुड़ती है, एक मसल दूसरी मसल से जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? वो प्रोसेस क्या होती है जब एक मांसपेशी दूसरी मांसपेशी से जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एक मांसपेशी दूसरी मांसपेशी से जब जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं। हां जी, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 23, कह रहा हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? जानते हैं आप लोग, लवण की बात कर ले तो हड्डी में लवण कौन सा सबसे अधिक होता है? अभी हम बताएं हड्डी में कैल्शियम होता है, लेकिन अगर लवण की बात की जाए तो हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फास्फेट भी नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा? हाँ जी, फटाफट करिए आंसर, क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो वो लवण है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, सबके सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, सी नंबर आंसर आया है, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? अगर दो या दो से अधिक अस्थियां जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ट्रिटी कहते हैं, स्तंभ का मतलब होता है ज्वाइंट, यहां पर ट्रिटी लिखा है मतलब ज्वाइंट, और कार्टिलेज क्या कहते हैं? दिया दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? 24, दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? एक अस्थि ये है, एक अस्थि ये है और एक अस्थि ये है, आप लोग जानते हैं। ये हड्डिया, ये हड्डी है और यहां पे दो हड्डी है, कौन सी? एक रेडियस और एक अलना है, रेडियस अलना जाकर के ह्यूमरस से जुड़ती है, तो दो या दो से अधिक बोन हो गई ना, जुड़ती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ज्वाइंट कहेंगे। ज्वाइंट का मतलब उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सभी लोग बिल्कुल सही आंसर किए हैं। क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा सीख रहे हैं, ऐसे ही सीखते रहेंगे, आप लोग बिल्कुल सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन 25, आज का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है दांतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? दांतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? आप लोग जानते हैं दांत को हम लोग चार भागों में विभाजित करते हैं। कितने? चार भागों में विभाजित करते हैं। कौन से वो चार भाग हैं? तो आपको पता है कौन से चार भाग होते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक और तीसरा होता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक और चौथा होता है चवर्णक, ठीक है, या बोलते हैं इसको इंसाइजर, इसको कैनाइन, ये कैनाइन हो गया, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, इसको बोलते हैं मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इसीलिए ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं हेटेरोडॉन्ट। क्या बोलते हैं? हेटेरोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट का मतलब होता है विषमदंती। इसको क्या बोलते हैं? विषम दंती बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषम दंती। हेटरोडॉन्टिक कंडीशन होती है। दो क्वेश्चन फटाफट और जान लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी दांत कितने होते हैं, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, परमानेंट टीथ की संख्या होती है 12। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मिल्क टीथ कितने होते हैं, मिल्क टीथ की संख्या होती है, मिल्क टीथ की संख्या होती है 20, मिल्क टीथ की संख्या होती है 20,
और परमानेंट की तीर की संख्या होती है 12। तो अगर डेंटल फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 21 23 बाई में 21 23 इंटू में 2 इक्वल टू 32। 32 दांत होते हैं, डेंटल फॉर्मूला भी याद रखना है, मनुष्य का डेंटल फार्मूला आपको बताना है। आपके लिए लास्ट क्वेश्चन था, आपके लिए जाते जाते एक क्वेश्चन दे करके जाएंगे। आपको हाथी के दांतों की संख्या बतानी है, हाथी में कितने दांत पाए जाते हैं और हाथी में जो बाहर दांत निकलते हैं वो कौन से दांत होते हैं, कृंतक होते हैं, रदनक होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं या चवर्णक होते हैं। ये आपको दो क्वेश्चन बताने हैं। क्लास के बीच में भी हमने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैसा सेशन लगा याद रखना है, ये सेशन जो है लगातार इसी तरह चलता रहेगा, मैम क्लास लेंगी, ठीक है। हम फिर आपको बता दें, मैम अभी थोड़ा काम से गई हैं, कल क्लास नेक्स्ट में उनकी क्लास होगी। हाँ जी, छुट्टियों की छुट्टी पे गई हैं, तो जैसे ही वो वापस आती उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यूसली टाइम पे क्लास चलेगी। आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा, हाँ जी आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा जी, सभी लोगों को अच्छा जी। समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, चलिए बता देते हैं फिर से। हमने कहा कि चार तरह के होते हैं, चार दांतों को कितने भागों में व्यक्त किया जाता है, चार, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, चार तरह के लिए बांटा जाता है, इसलिए इसको विषमदंती कहते हैं, जिसको हेटेरोडोंट कहते हैं। अगला, स्थायी दांतों की संख्या पूछा जाता है, तो स्थायी दांतों की संख्या होती है 12, जो जिंदगी में सिर्फ एक बार निकलते हैं। अगला, मिल्क टीथ, जो निकल करके टूट जाते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो जो डेंटल फार्मूला होता है, हाँ जी जो डेंटल फार्मूला होता है वो मनुष्य का जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2123 बाई में 2123 इंटू में 2 इक्वल टू 32 दांत होते हैं। मतलब ऊपर वाले जबड़े में 16 होते हैं, नीचे वाले जबड़े में 16 होते हैं। कैसे काउंट करेंगे, तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। आप जोड़ लेना, 4 2 6 4 10 6 16, ऊपर वाले जबड़े में 16 और नीचे वाले जबड़े में 16, कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है हाथी दांत का सूत्र क्या होता है, ठीक है, और हाथी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। हां जी जी, क्वेश्चन आपने सीखे, आपको अच्छा लगा, प्लीज थंबनेल कर दीजिए आप लोग सभी लोग, क्योंकि सेशन कैसा लगा तभी तो हम जान पाएंगे भाई कि आप लोगों ने कैसा सीखा, अच्छा सीखा या अच्छा नहीं सीखा। कोशिश किए कि सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझाएं सिखाएं, हाँ जी। और ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, फिर एक बार बता देता हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी होम साइंस की मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैम भी पढ़ाती होम साइंस की अदर पार्ट, साथ ही साथ मैं भी पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन क्लास भी हमारे यहाँ चलती है और ऑनलाइन क्लास भी चलती है। आपने बहुत अच्छा सीखा, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बने रहिए टीचर सेकेंडरी पर। थैंक यू सो मच।